दोस्तों आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा यामा का MG16 XU मिक्सर होता है, तो जो भाई नए हैं और जो उसको ख़रीदते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम उसको कैसे चलाएं, इसके बारे में मैं इसका बताता हूँ कि कैसे आपको इसको चलाना है। आप फर्स्ट इंस्टॉल इसको कैसे करेंगे, कैसे इसको चला पाएंगे, तो इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि आप इसको लगाएंगे कैसे। तो आपने YouTube पे कई वीडियो देखी होंगी, लेकिन उससे आपको क्लियरिटी, मैंने देखा कि उसमें जो क्लियर चीज़ें हैं वो नहीं बताई गई कि लोग उसको लगा के वो समझ के वो लगा लें। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको लगाना है। कोई भी व्यक्ति इसको हमारी वीडियो को देख के डायरेक्ट एक ही बार में 5 मिनट में मिक्सर को इंस्टॉल करके वो चला सकता है, और उसके बाद धीरे धीरे मैं उसकी सारी सेटिंग जो भी आपको ज़रूरत होगी मैं बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले बताते हैं इसको इंस्टॉल करना और इसको चलाना कैसे, तुरंत हम उसको चला सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं, कैसे इसको चलाना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो पे, पास से उसको नज़दीक से देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा मिक्सर है। इस मिक्सर में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो मिक्सर है इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये कि हमारी ये पिन है, तो यहाँ आप जानते हैं कि एम्पलीफायर में आउट कहाँ देते हैं, तो उसमें ऑक्स वन में लगा दीजिए या लाइन इन में लगा दीजिए। और ये जो आप पिन देख रहे हैं इसको आपको क्या करना है, आप यहाँ से भी XLR के थ्रू भी इसको आउट कर सकते हैं और यहाँ से भी आउट कर सकते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए, आपको सिर्फ एम्पलीफायर कनेक्ट करना है और ये लीड हमको एम्पलीफायर में यहाँ पर लगा देनी है। तो ये लगा दिया, इसके बाद हम अब अपना मिक्सर को, मान लीजिए आपका मिक्सर ऑफ है, ये ऑफ है, तो आपने ये लीड लगा दी। इसमें मैंने एक माइक कनेक्ट कर लिया है, ये आहूजा का 411 ADM 411 है, ये कनेक्ट करके इसकी टेस्टिंग में आपको बताता हूँ। तो हमने एम्पली चालू कर दिया, अपना मिक्सर भी यहाँ से चालू कर लेते हैं और एम्पली को भी चालू कर देते हैं। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक जो है आप एक माइक को चेक कर रहे हैं, ईको कैसे लाना है, क्या कैसे किया जाता है, तो मैं सारी चीज़ आपको इसमें बताऊँगा डिटेल में। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, इसको कनेक्ट करने के बाद आपका जो सबसे, तो इसमें जो ऊपर का गेन है, इसमें गेन होता है, ये कंप्रेसर होता है, तो इससे गेन आप जानते हैं कि गेन से हम क्या कर सकते हैं, आवाज़ बढ़ाने के लिए या इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, माइक की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कि ताकि ये हमारी दूर से आवाज़ को पकड़ना शुरू कर दे। दूसरी चीज़ इसमें दिया है हाई और मिड, और इसके बाद ये दिया है लो। तो हाई मिड लो ये सभी मिक्सरों में होता है लगभग, तो इसको आप सेट करके देख लीजिए कि किस टाइप से क्या चीज़ आ रही है, आपको किस टाइप की ज़रूरत है, तो वो आप सेट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ हम ये जो है अब आ जाते हैं सबसे पहले फेडर पे। तो यहाँ से आपने देख लीजिए गेन को, मैंने यहाँ तक 4 तक इसको गेन को खोल दिया है। तो 4 तक गेन को खोलने के बाद और हमने सारे वॉल्यूम को या मान लें 50-50% कर देंगे सभी 50-50% वॉल्यूम को कर दिया है। और इसके बाद में मुझे अभी यहाँ पर जो लिखा है ऑक्स 1 और ऑक्स 2 और ऑक्स 3 और ऑक्स 4, इसकी हमें कोई ज़रूरत अभी है, हम यूज नहीं कर रहे हैं इसको। हम सिर्फ आपको सिर्फ ये जो लिखा है पेन, तो पेन को आपको यूज करना है। इसके बाद में ऑक्स 4 पे एफएक्स है, तो आपको ऑक्स 4 का ही यूज करना है एफएक्स के लिए। तो बस ये आप देख लीजिए, यहाँ से हम उसको चालू करते हैं। हेलो। तो आप सिंपली इसको देखेंगे, तो सिंपल आपको देखना ये है, इस फेडर को देखना है। तो इस फेडर में आप ये स्विच लगे हुए हैं, तो आपको अभी इसको नहीं समझना है कि क्या है, आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो ST लिखा है यानी स्टेडियो का जो स्विच है हमारा रेड वाला, ये हमारा दबा हुआ होना चाहिए। यदि ये दबा हुआ नहीं है तो आपका यहाँ से माइक की आवाज़ जो है वो यहाँ से नहीं आएगी। तो यहाँ ये आपको क्या चाहिए, ये दबा हुआ चाहिए। सबसे पहली टेस्टिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप माइक को टेस्ट करते हैं, चलाते हैं, यानी नॉर्मल ऑपरेटिंग आप इसे सीख जाएंगे। तो यहाँ से हमने इसको देख लीजिए, यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही है अभी कुछ भी, और यदि जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो माइक से आप आवाज़ सुनेंगे। देख लीजिए यहाँ से आवाज़ हमारी माइक से आना शुरू हो गई है। तो यहाँ इससे आप कैसा भी रहे अभी इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रेड वाला जो हमारा है
तो रेड वाला हमारा कैसा होना चाहिए, दबा हुआ होना चाहिए, यानी अंदर को दबा हुआ होना चाहिए। तो इसको दबा देंगे और ये आपका माइक यहाँ से चालू हो जाता है। तो यहाँ से करके आप कोई भी माइक को फिर आपको जैसी भी आवाज़ चाहिए हो वैसी कर सकते हैं। तो यहाँ आपकी ये सेटिंग हो जाती है। इसके बाद ऊपर के दो स्विच हैं, देख लीजिए यहाँ पर, ये जो स्विच है इसको हमको, हेलो 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 हेलो, तो इस स्विच को हमको कहाँ रखना है, ये ऊपर निकला हुआ होना चाहिए। तो ये जो स्विच हमारा है, यानी इस पर जो हमारा पैड लिखा है, तो इसको ऊपर निकला हुआ दबा हुआ नहीं होना चाहिए। इसको क्या, इससे आवाज़ कम आएगी, हेलो हेलो, इससे आवाज़ हमारी जो है कम आएगी। तो आप सीधा नॉर्मली अभी समझ रहे हैं इसको, तो इससे आवाज़ हमारी कम आएगी। वो इसको हम जैसे ही ऊपर कर देंगे तो आवाज़ हमारी तेज आने लगेगी। तो इस आपको जो आपका पैड दिखाई दे रहा है, पैड के स्विच को आपको ऊपर निकालना है, यानी दबा हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये रखना है, बाकी वॉल्यूम आप यहाँ से सेम रख देंगे। अब यहाँ से चलेंगे, इसके बाद में करते हैं हम इको। अब यहाँ से हम देख लेते हैं इको। तो यहाँ से जो हमारा है, हेलो 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 हेलो, तो यहाँ से देखिए, सबसे इको के लिए आपको वॉल्यूम नंबर वाइट वाला है, तो वाइट वाला आपको ये खोलना पड़ेगा। तो जैसे ही आप वाइट वाला खोलेंगे तो आपका इको आने लगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, हेलो हेलो हेलो, तो देख लीजिए यहाँ पे इको नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है। तो हमको इको वाले सेक्शन में जाना है कि इको क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए हमारा जो इको वाला है, एफएक्स यहाँ पे लिखा है, एफएक्स रिटर्न, तो इसको आपको ऑन करना है। सबसे पहले इसको आप ऑन करेंगे, यहाँ से ऑन कर दिया, और इसके बाद इसके फेडर को बढ़ाएंगे, हेलो 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 चेक हेलो। तो देखिए यहाँ से, यहाँ भी आपको जो लाल वाला बटन है वो आपको दबा के रखना है। हेलो हेलो, तो यहाँ से देखिए अभी इको नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को भी बढ़ा दिया है और यहाँ से मैंने इको सेट कर लिया है। इको कैसे सेट करेंगे, ये जो लगा है आपका वॉल्यूम, इसको आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 12 इफेक्ट रखूँगा क्योंकि ये प्रोग्राम के लिए 12 ठीक रहता है। तो यहाँ पे आपने 12 रख दिया और इसको एक बार प्रेस कर देंगे, जैसे आपने जो बिलिंग कर रहा है अभी, और ये अभी स्थिर नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमको चलाना कौन सा है, 12। तो 12 चलाना है तो 12 पे आप कर दिया, जैसे 11 है, 11 पे फिक्स करना है तो इसको ऊपर से दबा देंगे हल्का सा, तो ये फिक्स हो जाता है। यदि आपको 12 चलाना है तो 12 पे कर दीजिए, बिलिंग कर रहा है, तो इसके बाद में आप इसको दबा देंगे, तो ये दबा देंगे तो ये फिक्स हो गया। अब हमको, अब ईगो कैसे आएगा हमारा, तो अभी भी देख लीजिए आपने यहाँ से खोल दिया है, फिर भी ईगो नहीं आ रहा है। जब ईगो नहीं आ रहा है तो इसका रेड वाला जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमको प्रेस करना है, नीचे की तरफ इसको दबा के रखना है, यानी इसको हम जैसे ही दबाएंगे तो ईगो आपका आ जाएगा। देखना, इसको दबा दिया हमने, हेलो, तो देखिए ईगो जो, ये ईगो आ रहा है, तो यहाँ से जो हमारा ईगो है आने लगा है। तो इस तरह से हम ईगो को सेट करते हैं। कुछ भाई जो नए होते हैं, उन्होंने मिक्सर खरीदा, वो चलाना नहीं पता नहीं चलता कौन सा बटन दबा है, कौन सा दबाना है, क्या करना है, तो उसको आप इस तरह से देख लीजिए, ये आपको दबा के रखना है, तभी ईगो आएगा। तो एक छोटी सी नॉर्मल सेटिंग है, इसको आप करके अपना काम चला सकते हैं कि आपका प्रोग्राम इससे आपका चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको प्रोग्राम में नहीं आएगी। यानी आप मिक्सर को नॉर्मली चलाना समझ लीजिए सीख ही गए हैं। तो यहाँ से जो आपका है बेस टेबल मेट वगैरह, तो आप जानते हैं, सभी लोग ने जैसे मिक्सर चलाए हैं तो सभी लोग जानते हैं कि उसको जैसी हमें आवाज़ होती है, जैसी हमें आवाज़ की ज़रूरत होती है, वैसा हम उसको यहाँ से बेस टेबल मेट कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मली इसमें आवाज़ आई कहाँ, हमारे जो स्पीकर में आवाज़ कहाँ से आएगी, ईको कहाँ से आएगा, ये इस टाइप की वीडियो यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो आप ढूंढते रहेंगे लेकिन आपको उससे पता नहीं लगेगा कि ना जाने कैसे कहाँ से क्या करना है। तो ये आपको कर लेंगे तो आपका सीधा सीधा आपका सिस्टम चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको करके और बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आप सीख सकते हैं। तो आप जब चलाएंगे तो धीरे धीरे सब आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्या चीज़ चलाना है। तो आप जब चलाएंगे तो सीख जाएंगे। लेकिन नॉर्मली जो सेटिंग होती है कि हमें अपना माइक चालू करना है, माइक चालू कैसे हो, तो माइक चालू के लिए मैंने आपको बता दिया है कौन कौन स्विच को आपको ऑन रखना है, कौन को दबा के रखना है, कि मतलब ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल नॉर्मली सेटिंग है।
और इससे ही आप प्रोग्राम कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इससे भी अपना मिक्सर आपका चालू हो जाता है, इससे आप किसी भी प्रोग्राम में लगा के और ये 12 वाला इफेक्ट सेट करके आपको जितना डेली चाहिए हो, तो इससे जो ये वाइट वाला वॉल्यूम है इससे हम इसको और डेली को कम या ज़्यादा, मतलब आपको जिस टाइप का डेली चाहिए हो, लॉन्ग चाहिए, शॉर्ट चाहिए, तो इससे आप कर सकते हैं, तो इससे आगे पीछे कर सकते हैं। देखना मैं करके बताता हूँ आपको थोड़ा। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो चेक। तो इस तरह से हम इसकी सेटिंग को कर सकते हैं। तो जो भी आपको सेटिंग रखनी हो, जिस टाइप से सेटिंग रखनी हो, जिस टाइप की आवाज़ आपको अच्छी लगती हो, वो आवाज़ आप इससे निकाल सकते हैं। और ये मिक्सर जो है ये बहुत ही अच्छा मिक्सर है और थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन क्वालिटी इसकी बहुत ही बेस्ट है। तो ये लगभग लगभग मार्केट में, मैं इसका प्राइस भी आपको बताता हूँ, इसका मार्केट में अभी का प्राइस ये 38,000 यानी 38,000 रुपये है। 38,000 आपको इसमें अभी वर्तमान में खर्च करना पड़ेंगे यदि आप ये लेना चाहते हैं। और इसकी क्वालिटी, इसके प्रोग्राम की क्वालिटी में मैं आपको बताऊँगा, प्रोग्राम पे लगा भी बताऊँगा कि किस टाइप की प्रोग्राम में क्वालिटी है, उसका भी मैं आपके लिए वीडियो डालूँगा कभी, तो उस पे चैनल पे बने रहिए। और मैं इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं, जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो जो आपकी अच्छे से समझ में आ जाए, वो चीज़ मैं अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं यहाँ का दिखा दिया, वहाँ का दिखा दिया, यानी कि जो स्टेप बाय स्टेप आप जो चीज़ समझेंगे, उस चीज़ को मैं अपने चैनल पर बताता हूँ, ताकि किसी भी व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति की समझ में आ जाए, कोई भी हमारी वीडियो देख करके वो यानी इस मिक्सर को ऑपरेट कर सकता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। धीरे धीरे आप जैसे करेंगे तो धीरे धीरे सब सीख जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।